बीएफ स्किनर, जिन्होंने कि बिहेवियरिज्म में एक ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक महत्वपूर्ण टूल अपराटस जोड़ा, और इसके द्वारा उन्होंने बताया कि किस तरीके से चेनिंग, शेपिंग, रिइंफोर्समेंट और एक्सटेंशन का एक चक्र लागू होता है। मैं दीपक कुमार शर्मा, और आज हम बात करेंगे इसी स्ट्रक्चर में से। मैं कोशिश करूंगा, मैं हेल्प करूंगा आपकी समझने में चेनिंग एंड शेपिंग को। चेनिंग और शेपिंग दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। जहां तक हम सबसे पहले बात करते हैं चेनिंग की, आप चेनिंग से जो वर्ड सबसे पहले दिमाग में आता है वो है चेन। तो चेन में होता क्या है, बेसिकली आप एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हैं और ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है कि आपका एक व्यवहार, आप इनबिल्ट करते हैं और जैसे ही वो व्यवहार खत्म होता है, व्यवहार यानी रिस्पांस, एक रिस्पांस की समाप्ति सेकेंड रिस्पांस की शुरुआत बनती है। तो ध्यान रखिएगा, एक फर्स्ट रिस्पांस की समाप्ति सेकेंड की शुरुआत बनती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कोई गाना याद किया, मैं स्कूल में नहीं ले जा रहा हूं अभी आपको गाने की बात कर रहा हूं। आपने कोई गाना याद किया, उस गाने की फर्स्ट लाइन जैसे ही समाप्त हुई तो आपने सेकेंड लाइन याद कर ली। तो सेकेंड लाइन की शुरुआत कब होगी, जब फर्स्ट लाइन समाप्त हो गई। तो ये जो सॉन्ग है इसमें थर्ड सेकेंड लाइन के बाद में आप थर्ड लाइन पे आएंगे, और ये क्या हुआ, तो बेसिकली ये एक रिस्पांस है पहली लाइन, लेकिन ये सेकेंड लाइन के लिए स्टिमुलस बन जाती है, और इसी तरीके से सेकेंड लाइन एक रिस्पांस है फर्स्ट लाइन के लिए, लेकिन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के लिए एक स्टिमुलस बन जाती है। तो बेसिकली इन चेनिंग व्यवहार निष्पादन, ध्यान से समझिएगा, व्यवहार निष्पादन या आचरण को बनाने या नए आचरण को अपनाने का एक ऐसा टूल है जिसमें कि RSSR ये कॉम्बिनेशन चलता है, दैट एवरी रिस्पॉन्स इज स्टिमुलस एंड देन आफ्टर दैट स्टिमुलस देयर इज अ रिस्पॉन्स, फिर वो रिस्पॉन्स जो होता है वो भी एक स्टिमुलस है। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये रिस्पॉन्स जो है ये बाद में एक स्टिमुलस बन जाता है, उसी प्रकार से जो पिछला रिस्पॉन्स था वो यहां पे स्टिमुलस बन गया, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी को कहते हैं चेनिंग। कहां लागू होता है, आरएस फैक्टर में लागू होता है, ध्यान रखिएगा। जहां पे भी रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस आएगा वहां पे ये जनरली लागू होता है, कि एक लाइन आपने गाई उसके बाद में आपको हमने क्या किया, उत्साहित कर दिया, तो आपने फिर दूसरी लाइन याद की, फिर उससे तीसरी लाइन याद की, और इस तरीके से एक चेन बनती जाती है। और ये जो चेन है ये स्कूल में आप याद करके देखिए, जब आपने पहाड़े याद किए, जब आपने गिनती याद की, जब आपने कोई फार्मूला याद किया, तो उसके चरण, या फिर आप अंग्रेजी में कोई पैराग्राफ याद करते थे बचपन में, या एक लेटर याद करते थे, तो एक पैराग्राफ के बाद दूसरा, और उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक लाइन के बाद दूसरी। तो पहले एक लाइन याद करते थे, पहले वो लाइन हुई दैट इज योर रिस्पॉन्स, और वो लाइन खत्म हो गई, इससे आपको याद आई कि अब मुझे सेकेंड लाइन बोलनी है, तो जो फर्स्ट लाइन बन गई वो बन गई स्टिमुलस, बन गई सेकेंड लाइन के लिए, इसी को कहते हैं चेनिंग। और जब इस पे कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट द्वारा, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका, जैसे कि स्किनर का भी मानना था, रिइंफोर्समेंट के द्वारा जैसे ही आप इस चेनिंग को पक्का करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें जो कि तकनीकी भाषा है, तो यहां पे कहते हैं हम इसे हम परमानेंट करते हैं। तो जैसे ही हम इसे परमानेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड शेपिंग, हम शेपिंग द्वारा इसे परमानेंट करते हैं। तो शेपिंग वो प्रक्रिया है जब हम
आर और एस के बॉन्ड को परमानेंट करते हैं। तो किसी भी कक्षा में पहले क्या होगी, चेनिंग होगी, और फिर क्या होगी, शेपिंग होगी। फिर शेपिंग के बाद कॉन्टिन्यूस रिइंफोर्समेंट द्वारा वो शेपिंग और मजबूत होगी, और अगर हमने रिइंफोर्समेंट नहीं दिया या गलत दिया तो एक्सटिंक्शन होने के चांसेस हैं। तो आप याद रखेंगे, जनरल जो चेनिंग होती है व्यवहार की, व्यवहारवाद में लर्निंग की, वो होती है चेनिंग, देन शेपिंग, देन रिइंफोर्समेंट, एंड देन अगर गड़बड़ हुई तो एक्सटिंक्शन। This is it. आज के लिए इतना ही था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार जब पूछा जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि शेपिंग और चेनिंग में कंफ्यूजन रहता है। इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाले रिलेशन को और इंटरचेंजेबिलिटी को जरूर याद कर लीजिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चेनिंग में हर बार एक रिस्पॉन्स अगली बार स्टिमुलस बन जाता है। थैंक यू सो मच।